फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता राज। स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब के चैनल साइकोलॉजी की दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम यानी सपनों के बारे में, जिसको जानने के लिए सब एक्साइटेड होते हैं कि ये क्यों और कैसे होता है। जब हम नींद में होते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम आधे सोए और आधे जगे हैं, तो इस समय हमारी नींद गहरी नहीं होती, इसी कारण से हमें ऐसा फील होता है और इस नींद को हम REM नींद कहते हैं। और अगर कोई हमें नींद से उठा दे तो हम उठते ही कहते हैं, कितना अच्छा सपना देख रही थी, क्यों उठा दिया मुझे। तो उठने से पहले हम REM नींद में होते हैं और REM नींद में सपने ही सपने होते हैं, इसलिए इसे ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। किसी किसी को तो बहुत कम नींद आती है क्योंकि उसकी नींद गहरी होती है, मतलब वह नॉन REM नींद में सोता है और इसमें सपने देखने की संभावना काफ़ी कम होती है। सपने सभी को आते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी को अच्छा किसी को बुरा। कोई अपने आप को सपने में पहाड़ से गिरता हुआ देखता है, तो कोई अपनी इच्छाएं पूरा करता है, तो कोई अपने सपने में अपने लाइफ पार्टनर को देखता है। बहुत से ऐसे सपने होते हैं जिसका कोई मतलब होता है। फ्रॉयड ने ड्रीम के बारे में अपना व्यू पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा है, सपनों में हम अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं को पूरा करते हैं, जैसे अनैतिक फैंटेसी कुछ भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि हम अपनी इच्छाओं को दमित क्यों और कैसे करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सब डिटेल में बताया है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखना। तो हम फैंटेसी बात कर रहे थे, वो फैंटेसी जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पूरी नहीं कर सकते, उसे हम अपने सपनों के द्वारा पूरी करते हैं। इसलिए फ्रॉयड ने कहा है, ड्रीम आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। फ्रॉयड के अकॉर्डिंग ड्रीम के दो कंटेंट हैं। पहला है मैनिफेस्ट कंटेंट। हम जो भी सपना देखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और हमें वो याद भी रहता है, और उठने के बाद हम वो सपने को बता भी सकते हैं, और ये सबों के साथ होता होगा। दूसरा है लेटेंट कंटेंट। ऐसे सपनों के पीछे अर्थ छुपा होता है जो हमें ड्रीम एनालिसिस के बाद पता चलता है। तो अब हम जानते हैं ड्रीम मैकेनिज्म को। पहला है कंडेंसेशन। इसमें व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को मिलाकर एक छोटा रूप बनाकर उसे सपने में देखता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं से रिलेटेड व्यक्ति या वस्तु को ना देखकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को देखता है। तीसरा है सिंबलाइजेशन। कुछ सपने सिंबॉलिक रूप में आते हैं, जैसे सपने में छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु के द्वारा सिबलिंग्स का सिंबलाइजेशन होता है। चौथा है ड्रामाटाइजेशन। इसमें व्यक्ति अपने अचेतन मन की अनैतिक इच्छाओं को अपने सपनों में विजुअली देखता है। इसमें सपने स्टोरी या ड्रामा के रूप में आते हैं, और ड्रामा विजुअली ऑडिटरी और टच से रिलेटेड अधिक होता है। तो पांचवा है सेकेंडरी इलाबरेशन। अगर सपने देखते वक्त हमारी नींद टूट जाए तो हम दोबारा जब सोते हैं तो हम वहीं से सपने जोड़ के सपने देखने लगते हैं। तो आपने जाना ड्रीम के लिए फ्रॉयड का व्यू पॉइंट। लेकिन फ्रॉयड के इस एक्सप्लेनेशन को उनके शिष्य यंग ने इनकम्प्लीट बताया। यंग ने बताया कि सपने बस इच्छाएं और फैंटेसी पर बेस्ड नहीं है। यंग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सपनों में रिपीटेटिव घटना भी इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे किसी एक सपने का बार बार आना, और यह सपना क्यों आता है, इसका क्या कारण, इसका क्या मतलब है, और ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी। तो आपने जाना सपनों के बारे में। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।